रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप है। राजधानी रायपुर का पारा 43 सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, लाजमी है। ऐसे में गर्मी के दिनों में जल संकट की समस्या तो होगी। जल संकट समस्या से राजधानी रायपुर के कुछ वार्डों में देखने को मिल रहा है। बीजेपी पार्षद दलों के द्वारा आज नगर निगम के बाहर मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन जताया गया। महापौर से इस्तीफे की मांग की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। सहयोगी अंबिका मिश्रा ने प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष मृणाल चौबे से बातचीत की। नगर निगम क्षेत्र में की गर्मी के दिनों में जल की समस्या तो आम बात होती है, लेकिन राजधानी रायपुर में कुछ ज्यादा ही जल संकट छाया पड़ रहा है। एक तरफ जहां पर भाजपा के पार्षद कार्यकर्ता कहते हैं कि उनके जगह पर रायपुर राजधानी में पानी की कमी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर महापौर से बात करें तो उनका कहना है कि राजधानी रायपुर में जल संकट है, नहीं तो हम सीधे बात करेंगे। यहाँ पर जो है भाजपा पार्षद दल के नेताओं के द्वारा जो है यहाँ पर निगम का घेराव किया जा रहा है पानी संकट को लेकर। हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मृणाल चौबे हमारे साथ में है। मृणाल जी, आज आप लोग यहाँ पर जो है नगर निगम का घेराव कर रहे हैं, लेकिन महापौर का कहना है कि राजधानी में जल संकट है ही नहीं, इस पर आप लोगों को क्या कहना है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, शहर की प्यासी जनता यहाँ पर आई है। महापौर की बातों में थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए, वो शहर के प्रथम नागरिक है। एसी कक्ष में बैठकर अगर वो बात करेंगे तो उनको हरा हरा ही दिखाई देगा। एक बार शहर में मेरे वार्ड में आकर देखे, शहर के अन्य 70 वार्डों में आकर देखे कि शहर की जनता पीने के पानी के लिए कितना तरस रही है। करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार ने पानी के लिए शहर को दिया है, उसके बावजूद निगम प्रशासन है वो शहर को पानी देने में असमर्थ रही है। ऐसे में हम जिम्मेदार लोगों से आज इस्तीफा मांगते हैं। महापौर आज मदमस्त है, उनके अधिकारी मदमस्त है। टैंकर मुक्त शहर की बात करते हैं, झूठी बात करते हैं। टैंकर मुक्त बात करने से शहर टैंकर मुक्त नहीं हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने प्रयास क्या किया है ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। 500 करोड़ रुपए अमृत मिशन के लिए भुगतान हो चुका है, और अमृत मिशन में अनुभवहीन लोगों से जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं उनसे काम करवाया गया। परिणाम आपके सामने है कि जो रायपुर शहर है वो गड्ढापुर में बदल गया है। ऐसे महापौर से आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम इस्तीफा। लेकिन कभी कभी जल संकट से बचने के लिए पहले ही उपाय किए जाते हैं, तो क्या आप लोगों ने गर्मी के पहले भाजपा से मिलकर कोई जो महापौर उनसे मिलकर के आपने कोई बात रखी? महापौर उनकी पूरी टीम अकर्मण्य है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनको ध्यान दिला रहे हैं कि गर्मी में पेयजल संकट हो सकता है, पानी की दिक्कतें आ सकती है। महापौर के कान में जू नहीं रेंगती है, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता को पेयजल उपलब्ध कराना ही नहीं चाहते। आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम 10 दिन का समय आज अधिकारियों को देंगे, अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो आने वाले समय में महापौर पक्ष का घेराव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से राजधानी रायपुर में जल संकट की समस्या को लेकर भाजपा पार्षद दलों के द्वारा आज निगम का घेराव किया गया है, और साथ ही साथ जल संकट की समस्या से महापौर का ध्यान इंगित किया गया है। अब देखना होगा कि क्या इनके इस प्रकार से प्रदर्शन करने से राजधानी के लोगों को क्या पानी मिल पाता है, या फिर उनकी स्थिति समस्या जो है वो यथावत बनी रहेगी। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया।